जिससे भी दिल लगाता है ना पुत्र, वो सब तुझे छोड़ के चले जाते हैं। विराट और निम्मा कोई देख ले, ऐसा लग रहा है तुझे भूल ही गए हैं। नहीं, कभी नहीं। विराट सर और मैं क्रिश को कभी नहीं भूल सकते। उल्टा हम तो क्रिश को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाने आए। चलिए आप जल्दी से अपना शूज पहन लीजिए। चलिए जाइए जाइए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटे बच्चे को इस तरह भड़काते हुए, तो मुझे यकीन है ये पहली बार नहीं है। आप लोग ऐसा पहले भी कर चुके। ओए नौकरानी थी बच्ची, चुप कर। चोर ने कही की और गहनों के साथ साथ बंदे भी चुराती है तू। चुप कीजिए और जरा धीरे बोले। एक भी बात और नहीं सुनूंगी मैं छुपू इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे सब पता है। होली पार्टी में आप लोगों ने ही मुझे धोखे से भांग खिलाया था ना। पूरी जिंदगी आप जैसे लोगों को झेल चुकी हूं मैं नहीं डरती आपसे। पहले प्यार से बोला था, अब खबरदार कर रही हूं। मेरे क्रिश की बर्थडे पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझ गए ना? ये रही तुम्हारी फेवरेट कुकीज एंड क्रीम, ये मेरी चॉकलेट, और ये नीमा की दुनिया की सबसे अनोखी आइसक्रीम जिसका फ्लेवर अभी भी बना है, दुनिया में किसी ने टेस्ट भी नहीं किया है, ना किसी को पता है इसके बारे में। वनीला, थैंक यू। मुझे एक बात बताओ, ये जो दुकान है जहां से आइसक्रीम आई है, ये पूरे शहर में फेमस है आइसक्रीम के लिए। 80 फ्लेवर है इनके पास, और तुमने के लिए क्या लिया? कोई सड़ा हुआ वनीला। क्यों सर? मेरा मतलब है विराट जी, आपको जो ये सड़ी हुई लग रही है ना, ये मुझे सच्ची लगती है। ये किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रही, जो है उसी में अच्छी। सिंपल सा सवाल पूछा था, क्या ये पार्लियामेंट्री जवाब दे दिया। पूरा वो कमीशन बिठा दिया आइसक्रीम पे। माफ कर दो भाई, गलती हो गई पूछ के। सर सिया का फोन है, लगता है मान्या ने उसे मना लिया। हेलो सिया। पर हेलो हेलो, क्या हो गया? मैं क्या हो गया बता दो यार। दोस्त समझो मुझे, आपने बता दो प्लीज। सिया गुस्से में थी और कहा कि मुझे कॉल मत करना, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, पता नहीं कब तक नहीं करेगी। माँ, नो क्राय। अरे आपने नया शब्द बोला क्रिश। शब्द? माँ, नो उसके। बिल्कुल सही कहा तुमने, मान नो क्राई। नीमा, हम दोनों तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, कभी नहीं।
तुम्हें अपनी बेटी से बात करनी है, सिया से बात करनी है ना? सिया से बात करनी है? मैं कराता हूं तुम्हें सिया से बात। मम्मी जी आप लोग मानेंगे नहीं, अभी मैंने क्या देखा। जब मैं सोनोग्राफी करवा के आ रही थी ना अभी, तो मैंने तो क्या हुआ मान्या, आपका बच्चा तो ठीक है ना? तुम सोनोग्राफी के लिए अकेली चली गई, हमें बताया क्यों नहीं? और तुम्हें तो पता है ना कि हमें तुम्हारा अकेले जाना पसंद नहीं। हाँ सब नॉर्मल है, और पारस ये समय नहीं है इन सब बातों के लिए। आप सब लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने क्या देखा। जब मैं क्लिनिक से बाहर निकल रही थी तो मैंने देखा कि महेंद्र जी के साथ एक छोटी बच्ची थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन थी, पर फिर मैंने उसे पापा कहते हुए सुना। पापा पापा हमें पिज्जा खाना। मैं फोन निकाल के फोटो लेना चाहती थी, पर वो गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या हुआ, आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? आपने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? क्या मान्या जी, कमाल करती हैं आप। हम तो यहाँ बस चाय पीने आ गए थे, लेकिन आप हम पे ऐसा आरोप लगा रही हैं। वो तो अच्छा है कि हम सबके साथ ही थे, वरना आज तो आप फंसा ही देती। अरे रे महेंद्र जी, आप तो घने नेक इंसान हो, कोई और आपकी जगह होता ना तो नाराज हो गए हो तो। बबीता तू तो घनी भाग्यशाली है। वेल्डन सिया, तुमने कुछ तो कमाल किया हुआ, इतने बड़े क्लाइंट तुमसे इंप्रेस हो गए। वो अपना अकाउंट तुम्हें देना चाहते हैं, जा मिल लो उनसे, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। और सिया प्लीज ठीक से हैंडल करना, बड़ा अकाउंट है। ऑलराइट, डोंट वरी सर, मैं संभाल लूंगी। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? सिया, क्या बातें आई, अमीर आदमी से शादी हुई नहीं कि आप भी पैसे दिखा के दुनिया को अपनी धुन पे नचाने लगे। सिया प्लीज, ऐसा मत कहो, यहाँ आने का आइडिया मेरा था। क्या बोल रही है सिया, मुझे बस तुझसे बात करनी है। तू मुझे अपने आप से ऐसे ऐसे दूर मत कर। दूर? और मैंने? दूर तो आपने किया है आई, हमें किसी और से शादी करके। अब आप लोगों को बैंक का भी कुछ काम है या सिर्फ ऐसी बात करने आए? क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, ऐसा बात करने का मेरे पास टाइम नहीं। और वैसे आपने तो सिखाया हमें कि काम सबसे पहले होना चाहिए। अब आप लोगों का हो गया हो तो प्लीज यहां से चले जाइए। सिया कैसे बात कर रही है तू, कम से कम विराट जी से तो ऐसे बात मत कर। इट्स ओके, नहीं मत, वो नाराज है, कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, एटलीस्ट आप तो समझे, क्योंकि हमारी आई पता नहीं कब समझेगी। आई थिंक बेटर यही होगा कि मैं किसी और को भेज दूं आप लोगों के हेल्प के लिए। फिर आप
सॉरी, वो पता नहीं कैसे सॉरी सॉरी मत बोलो प्लीज। जिस हिसाब से मेरे फैमिली वाले तुमसे बात करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ नहीं। वैसे तो मैं तुमसे सॉरी कहते रह जाऊंगा। नीना, सिया को थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ उसे, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूं। जब नाराज हो जाता हूँ तो सबसे दूर भागता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू विराट जी। यहां तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। सॉरी आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या देखा और क्या सुना। मैं श्योर हूं कि महेंद्र जी को उस लड़की ने पापा बोला। बस समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि ये यहां इतनी जल्दी पहुंचे कैसे। बस कर मानिया, थारी आंखों को धोखा हुआ होगा। नहीं रानी दादी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। महेंद्र जी सिर्फ मुझसे थोड़ी दूर ही खड़े थे। तो फिर वही के वही कुछ कहा क्यों नहीं आपने? यहाँ सबके सामने तमाशा क्यों बना रही है? देखिए, वैसे तो मैं शांत खुश दिल किस्म का आदमी हूँ, पर इस तरह कोई मुझ पर आरोप आरोप लगाएगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है मैंने, पर मुझे लगता है कि मानिया जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बड़ा अफसोस है, अभिता मुझे बहुत पसंद थी, पर अब लगता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। मान्या, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो महेंद्र जी से, अब्बी की अब्बी। मैं माफी नहीं मांगूंगी, पर अगर मैं सही निकली तो क्या आप सब लोग मुझसे माफी मांगेंगे? मान्या कैसी बातें कर रही हो तुम? पारस, मैं सही कह रही हूँ। मुझे हमेशा से पता था कि महेंद्र जी कुछ तो छुपा रहे थे, और उनकी और रानी दादी की फोन की बातें सुनकर मुझे पता भी लग गया था। और क्या छुपाया होगा इन्होंने, अपनी फैमिली के बारे में ही ना। मन ने लगा इस छोटी सी बात को छुपाने से किसी को कोई तकलीफ कोनी होगी, इसीलिए जब महेंद्र जी ने कहा तो मैंने उनकी बात मानी। लेकिन ये बच्चे हैं, ये बात कौन ही छुपा रही थी? मैं तो ये छुपा रही थी कि महेंद्र जी ने बबीता के वास्ते एक दुकान खरीदी है जिसमें वो जो चाहे वो व्यापार कर सकती है। ये छोटी सी खुशखबरी महेंद्र जी खुद देना चाहते थे, बस यही था हमारा सारा रस। पर मैंने बस मानिया, बस खबरदार एक शब्द भी और बोला तो। माना मैं कोई नौजवान आदमी नहीं हूँ, लेकिन उसूलों वाला और अच्छे विचारों वाला जरूर हूँ। बबीता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। माफ कीजिए, मुझे रिश्ता अब मंजूर नहीं।
सर सरप्राइज हॉल इसी घर से लेके जाए। मैं क्या बोला था, ये काम चल रहा था हॉल में, तो इस रास्ते से चलते, ठीक है? चल। ओए, और तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तू मेरे घर में खड़े रह के मुझको ही मना कर रहा है। वो देख, वो जो मैं कह रही हूँ ना, तू चुपचाप से कर ले, सुन। अरे मैडम, नहीं हो पाएगा। ओए रुक, नहीं हो पाएगा, रुक। ले, अब तो हो पाएगा ना? नहीं मैडम, हम लोगों को साफ साफ ऑर्डर मिले हुए हैं। आई मीन लालची कहीं का, रुक। अब आया ना लाइन पे, बड़ा आया सुनो वाला। मोना मैम, आपको क्यों लगता है कि सब बिकाऊ है? ये पैसे आप रख लीजिए। यहाँ सिर्फ विराज सर और मेरी बात ही सुनी जाएगी। यू ब्लडी, अब मारने का मन कर रहा है? सोचना भी मत। मैं अपना और क्रिश का बचाव अच्छे से कर सकती हूँ, इसलिए आप लोगों का जो भी प्लान है इस बर्थडे पार्टी को बर्बाद करने का, वो अभी के अभी भूल जाइए। और आप लोग जब तक पार्टी की पूरी सजावट ना कर ले, इस एरिया को बंद कर दीजिए ताकि कोई यहाँ आ ना पाए। और आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाइए। विराज जी ने तो बताया ही होगा कि सुपर हीरो थीम वाली पार्टी है। क्या विराज जी, विराज सर बोलो। ओके प्रियल मैम, मुझे तो सर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन्होंने ये जिद करके बोला कि मैं उन्हें नाम से बुलाऊं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप फिराज जी से बात कर लीजिएगा। और आप लोग प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए। इतनी हिम्मत देखिए इसकी, समझती क्या अपने आप को? ब्लडी आया। हाँ प्रियल, कोई इतनी मजाल निम्मा में कहाँ से आ गई है? नहीं, मुझे नहीं पता। And I don't even care. पर मुझे लगता है आपसे ज़्यादा कुछ होने वाला है। आप यहाँ बैठकर आराम से सुपर हीरो पार्टी एंजॉय कीजिए, पर मैं यहाँ क्रिश की पार्टी का केक खाने नहीं आई। जा रही हूँ मैं यहाँ से, बाहर में जाइए पार्टी। ओए प्रियल, ओए ओ तू किधर जा? प्रियल अब पड़े, सुन तो। जो ग्रीन वाला आदमी स्मैश करता ना, भाभी आपके साथ वही करने वाली है, पता है आपको? उससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? आपसे अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, मेरी बहन अकेली घूम रही है और यहाँ पे ये सब चल रहा है। छोड़ना नहीं है मैंने, पता नहीं कहाँ अकेले भटक रही होगी। मैं कृष को थोड़ी देर में लेके आ जाऊंगी।